धन्यवाद। देखिए राहुल जी, पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को और पूरे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। आज जो घटना, जिस प्रकार की घटना मलिक के बागीचे में घटी है, जी ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही, मैं ये कहूं कि शर्मनाक घटना है। पुलिस का थाना बनफूलपुरा को जला दिया गया, वहां पर ट्रांसफार्मर जला दिया गया, पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो बिजली आपूर्ति वहां बाधित हो गई, पत्थरबाजी हुई है, पुलिस अधिकारी जो है वो घायल हुए हैं। और कारण क्या था? केवल एक सरकारी जमीन जो कि सरकारी है, उसको वहां पर अवैध जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको हटाने के लिए वहां पहुंचे। देखिए एक्चुअली क्या है राहुल जी, कि आजादी के बाद से सत्ता का एक ऐसा कालखंड आया जहां पर कि एक स्पेशल प्रिविलेज सिटीजन के नाम से एक नई प्रजाति पैदा हो गई, जिनका ऐसा लगता है कि वो भारत के अंदर जो मर्जी करेंगे उनको सरकार नहीं रोकेगी। क्योंकि तुष्टिकरण की सरकार थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो जाए, चाहे वो कांग्रेस हो जाए, चाहे वो अन्य दल हो जाए, उन लोगों ने इनके हर किए के ऊपर पर्दा डाला, इनको प्रोत्साहित किया कि आप जो चाहे वो कीजिए, सब्सिडी लीजिए, दंगा कीजिए, कब्जे कीजिए, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। लेकिन जब से 2014 के बाद देश के अंदर मोदी सरकार आई और उत्तराखंड के अंदर जब से धामी सरकार आई है, उन्होंने लैंड जिहाद के ऊपर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। आप चाहे जिम कार्बेट पार्क को देख लीजिए, जिम कार्बेट के अंदर जो जंगल है वहां पर भी ये मजारे बना बना कर वहां पर कब्जे कर रहे हैं। तो अब जब से यूसीसी आया, यूसीसी आने के बाद से एक, मैं कहूं कि घबराहट का माहौल है इन लोगों के अंदर, क्योंकि रोहिंग्या, बांग्लादेशी, अवैध जो अवांछनीय तत्व हैं, जो पाकिस्तान के हाथों में खेलते हैं, उन लोगों को यह समझ में आ गया है कि अब उनका बचना नामुमकिन है। तो इस प्रकार की कार्रवाई आपको भविष्य में भी देखने को मिल सकती है कि यदि कोई अवैध कब्जे को हटाया जाएगा तो इस प्रकार से प्रतिरोध होगा। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा जी आपके माध्यम से कि देखिए, इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, आप सबको सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। अवैध कब्जे हटाए जाएंगे, उनको कोई बचा नहीं सकता। वो दिन नहीं, तो हवा हुए आपका जब इशारा इनका जिधर भारत है मैथिली था, जी, ये उनसे नेहरू ही का समझ नहीं, लेते नरेंद्र का हैं। भारत भुवन जोशी जी, जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। हल्द्वानी में जो हुआ वो सही नहीं है। सरकार की जमीन अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन एक पक्ष को इतना नागवार गुजरा कि पथराव, पथराव के बाद आगजनी। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को सुन पा रहा था, मैथिली जी को सुना मैंने, ये बताने का काम कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी का उत्तराखंड में सरकार का, मुझे पता नहीं मैं इनके सामान्य ज्ञान के लिए क्या प्रश्न नहीं, वो करूं। यूपी की मैं बात इनको कर रहे थे, बताना चाहता उत्तराखंड में तो हूं, नहीं है वो, जरा पता। राजपूत जी बचाओ मत करिए, मुझे बोलने मैं दीजिए, मैंने बता रहा सुना हूं है। ना, मैं इनको मैंने ये इनको कहा इनका था कि सामान समाजवादी पार्टी ने सदैव इनका परिचय दिया है, चाहे वो उत्तराखंड ठीक हो, है, अब चाहे सुन वो उत्तर लीजिए, प्रदेश वही हो। पत बातों की बातीगरी मत कीजिए, यहां पर जवाब दीजिए जोशी जी, सीधा। मैथिली जी, मैं आपके जवाब देने नहीं आया। जो आपने देश, जो हमारे नौनिहाल है उनका भविष्य खराब करने की जो बात आपने जो कही पाले है, हैं ना क्योंकि आपने सपोले, अरे क्या जो कह रहा हूं सपोले पाले हैं ना, आस्तीन के सांप, इन आस्तीन के, ये सर, दुसान जी, इसे बुलाइए, इन्हें बुलाइए, हमें मत बुलाया करें ऐसी बहस में। अपने टाइम में जो हमारे टाइम में बोलेगा, मैं बताना चाहता हूं इनको, देश को, देश की दवाई बातें खा आती के है आज सीधी फिर नहीं सीधी। आए ये, हैं दवाई चलता है, मानसिक बीमारी है देश का इनको, जो नौनिहाल है वो क्या और दवाई नहीं बोलेगा खाते कि हैं तो विदेश उत्तराखंड से आकर में के सपा चिल्लाते की हैं। सरकार रही? सपा की सरकार नहीं रही, भारतीय जनता पार्टी ने 2000 से जब से राज्य बना है, 23 साल, 24 साल के शासन काल में 7 मुख्यमंत्री देने का काम वहां पर करा। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोचारी, भुवन चंद खंडूड़ी, रमेश पोखरियाल, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी, 8 मुख्यमंत्री वाली सरकार, और आज भी जो सरकार चल रही है नहीं, उसमें भारतीय कांग्रेस जनता भी तो पार्टी है, की सरकार कांग्रेस के वहां पर चल मुख्यमंत्रियों का रही नाम है। लिया आपने। इस लॉ एंड ऑर्डर के लिए केवल अगर कोई जिम्मेदार है तो केवल केवल पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है। और इनके जो पूर्व मंत्री मंत्री जो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने यहाँ पर ऐसा बीज बोने का काम करा, आज उसकी, आज उसको हल्द्वानी की जो जनता है वो उसको भुगतने का काम कर रही है। और ठीक। ये जो चिल्ला चिल्ली की बहस करते हैं आदरणीय आदरणीय राजपूत नहीं, जी, उन्होंने मैं उन्होंने आपसे तो बोलना कहा चाहता हूँ, जब तुष्टीकरण तक की इस तरह राजनीति की को लेकर चिल्ला आप चिल्ली लोगों की ने बहस हो हमेशा तो मुझे कम से परचम कम लहराया आपकी है बहस से उनका। दूर रखिएगा।
मैं स्वस्थ बहस करता हूँ, सबको सुनता हूँ और सही टाइम में अपनी जब पार्टी का समय होता है तो समय देता हूँ आपके साथ। कम से कम मेरी 500 बहस हो चुकी है राजपूत जी, आप मेरे नेचर को जानते हैं जी। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। फैजल साहब आवाज आ रही है? जी जी, जी आ रही है। लेकिन जो एक मिनट, मैथिली साहब एक मिनट फैजल साहब से तो बातचीत कर ले। फैजल साहब, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ? देखिए मैथिल जी की ना दवाई टाइम से खा के आते नहीं, किसको डॉक्टर ना बनिए ना कंपाउंडर बनिए, अपनी बारी में अपनी बात कहिए। देखिए वो मेरे भाई हैं, मैं उनको बार बार हर डिबेट में टोकता हूँ। फैजल साहब आप दवाई खा के आया करो, नहीं तो आप उल्टा पुल्टा बोलते हो, सबको दिक्कत हो जाती है। उत्तराखंड में एको दिन सरकार नहीं रही सपा की। भुवन जोशी जी बोले अभी कि एक दिन भी सपा की सरकार नहीं। और एक बात मुख्यमंत्री जी आज बोल दिए उत्तर प्रदेश के अंदर कि अयोध्या का मथुरा का विकास नहीं हुआ। अरे भाई नहीं हुआ तो सारे समय तो 20-25 साल तो आप ही लोग सरकार में रहे। कल्याण सिंह सरकार रहे, राजनाथ सिंह की सरकार रही और मायावती जी के साथ गठबंधन करके तो 15-20 साल आप ही लोग सरकार में रहे। तो मैं जिस पे बैठा हूँ फैजल साहब, मैं जिस पे बैठा हूँ उस पर बात हो जाए। सारे हल्द्वानी की घटना, यूसीसी बिल आया, समझ रहे आप, हल्द्वानी के अंदर किसी ने कोई विरोध नहीं किया जी, किसी ने विरोध नहीं किया क्योंकि उस बिल में कुछ ऐसी बात थी नहीं जिसका विरोध किया जा सके। बहु विवाह की इजाजत है और आपने जो है दे दिया उसमें आदिवासियों को बाहर कर दिया, तो कोई विरोध का विषय ही नहीं। आगे चलेगा अभी राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, किसी ने ये बात बीजेपी बिना किसी दंगा फसाद के कोई काम कर ले ये बात बीजेपी के लिए सही नहीं। बीजेपी इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहता है कि दंगा हो फसाद हो तो हम कहें कि देखिए मुसलमान को पसंद नहीं है। मुसलमानों ने तो स्वागत कर दिया वहां पे यूसीसी का, क्योंकि अब देखिए हल्द्वानी में 4 लाख चालान कटे हैं पिछले 3 दिन के अंदर। पिछले 3 दिन में 4 लाख चालान कटे अवैध निर्माण के लिए, तो क्या 4.5 लाख मकानों को सरकार गिराएगी? बोलिए आप गिराएगी सरकार 4.5 लाख मकानों को? और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये सारी जितने भी धार्मिक इमारतें बनती हैं वो ऐसा ही जमीनों पर बनती है जो सरकारी जमीनें होती। अच्छा। कितनी मंदिर सड़क के किनारे हैं आप जाके देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए आकर के, उत्तराखंड में लखनऊ में जाके देख लीजिए, मैक्सिमम मंदिर सड़क के किनारे। और सारी मंदिरों का अगर जांच किया जाए तो मस्जिदें भी हैं, मजारे भी सड़क के किनारे हैं, रेलवे स्टेशन पे हैं। इस देश में कभी कहां मंदिर को अगर अवैध अतिक्रमण से हटाया गया तो कहां ऐसा बवाल देखने को मिला? अवैध की परिभाषा क्या है? अवैध की परिभाषा बताइए पहले हमको, अवैध क्या है? सरकारी जमीन पे सार्वजनिक जितनी भी धर्म धाम की चीजें होती हैं, चाहे मंदिर मस्जिद मजार, ये सारी चीजें सरकारी खाली जमीन पे बनती हैं, क्योंकि वो जनता की प्रॉपर्टी है। इस देश में सर्वधर्म संभव, हर देश धर्म के लोग इस देश में रहते हैं ना, जब हर धर्म के लोग। अब मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि 4.5 लाख चालान कटे पिछले 3 दिन के अंदर हल्द्वानी के अंदर, तो क्या सरकार 4.5 लाख घरों को गिराएगी? नहीं तो आज तो देख लिया ना, एक बहुत तो गिराने पहुंची थी ना। सुनिए अरविंद जी की भाषा, निगम की टीम एक बॉन्ड गिराने तो पहुंची थी। मुसलमानों के प्रति इनके दिमाग में नहीं तो क्या ये मान ले कि निगम की टीम जिस तरीके से एक अवैध निर्माण को गिराने पहुंची तो ये हाल था, बाकी जब अवैध निर्माण गिरेगा तो क्या हाल होगा? पूरे उत्तराखंड में आग लगा दी जाएगी। 4 लाख हिंदू का भी तो होगा, 4.5 लाख मुसलमान का ही थोड़ा ही है, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर सबका ना होगा? नहीं तो जिसका गिरा उसकी बात तो कर लीजिए, आज की बात करें, भविष्य में क्या होगा निर्माण का, भविष्य में क्या होगा उस बात की बात है, लेकिन आज वर्तमान में जो है वर्तमान की स्थिति बताइए ना, उसे देखकर बताइए, उसका आकलन कीजिए। एंकर की स्थिति ऐसी हो गई है, सुनिए हम एक बार फुटबॉल खेल रहे थे तो हम लोग यहाँ कहानी सुनने के लिए फैजल साहब नहीं बैठे, आपका दर्द समझ सकते हैं, आपका दर्द समझ सकते हैं, आपका दर्द भी, ये दर्द रहेगा ही रहेगा, ये रहेगा रहेगा, आपका दर्द विपक्षी दलों का दर्द समझ सकता हूँ मैं, ये दर्द रहेगा। आप कह रहे थे ना मैथिली साहब को कि दवाई खा के नहीं आए, तो आप भी जाके इस दर्द की दवा लेकर आए।